नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी इस नई ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा नाम है रवि प्रताप, मैं आपका स्वागत करता हूँ एक्सपो एजुटेक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं जाने वाला हूँ लखनऊ के डालीगंज में जो स्थित है मन कामेश्वर मंदिर। तो दोस्तों, वहाँ का पूरा वीडियो को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, आपको ले चलते हैं डालीगंज के मन कामेश्वर मंदिर में। दोस्तों, वहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखाएंगे वीडियो में। तो दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं मन कामेश्वर मंदिर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, इस समय जो आप सामने का व्यू देख रहे हैं वो बड़ा इमामबाड़ा का व्यू है। दोस्तों, ये जो रास्ता है रूमी गोट से होते हुए दोस्तों डालीगंज जाती है, डालीगंज से दोस्तों मन कामेश्वर मंदिर जाने के लिए यही रास्ता दोस्तों इसका यू प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इस समय का व्यू देख सकते हैं कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर बजे थे 5:30 जब हम जा रहे थे रास्ते में, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ का व्यू भी। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कितनी रफ्तार से जो दोस्तों यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं, आप देखने में भी आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों, इस समय जो आप सामने का व्यू देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है CFBG कॉलेज जाने के लिए यही रास्ता होती है। दोस्तों, ये हुसैनाबाद इंटर कॉलेज के पास की रास्ता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ट्रैफिक जाम भी लगा हुआ था। दोस्तों, आप देखिए हट गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर का जो है कितना अच्छा व्यू है। और ये दोस्तों रेजिडेंसी की तरफ की रास्ता है, जो कि यहाँ से जाने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक मस्जिद भी रास्ते में बनी हुई थी। दोस्तों, इस समय जो आप सामने का व्यू देख रहे हैं तो दोस्तों ये डालीगंज का पुल है। तो दोस्तों, इसी तरफ से जो है जाने के लिए मन कामेश्वर मंदिर जाने के लिए इसी से रास्ता गई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू। तो दोस्तों, ये जो है पूरा लोहे का बना हुआ है। दोस्तों, इस समय जो आप देख रहे हैं वो दोस्तों डालीगंज का चौराहा है। दोस्तों, इस समय जो आप द्वार देख रहे हैं दोस्तों, यही मन कामेश्वर मंदिर का जो दोस्तों द्वार है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर एंट्री करते समय सबसे पहले आपको गणेश जी की मूर्ति दिखेगी। दोस्तों, ये जो मंदिर का निर्माण कराया है दोस्तों, ये दिनेश शर्मा ने बनवाया था। तो दोस्तों, ये महापौर यहाँ पर रह चुके हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस चौकी है दोस्तों मन कामेश्वर मंदिर की है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कितनी अच्छी और तौर तरीके से बनवाया गया है। दोस्तों, आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पीछे का है और जैसे यहाँ पर बनाऊंगा। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको लेके जाते हैं और आपको दिखाने वाले हैं यहाँ का पूरा वीडियो। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी ये लगी हुई है। तो दोस्तों, आपको दिखाने वाले हैं इसका वीडियो का भी। दोस्तों, इस समय जो आप गेट देख रहे हैं दोस्तों, वो मन कामेश्वर मंदिर का गेट है, जो कि दोस्तों देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पीछे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। दोस्तों, ये पौराणिक कथाओं में भी दोस्तों इसकी चर्चा की गई है। दोस्तों, इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि दोस्तों, जब भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण माता सीता को वन में छोड़ने के बाद वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने इसी मंदिर में रुककर भगवान शिव की आराधना की थी। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा मंदिर माना जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है राम के जो भाई हैं भगवान राम के दोस्तों लक्ष्मण दोस्तों माता सीता के वन को जो छोड़ने गए थे, तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने रुककर यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की थी। दोस्तों, अगर बात की जाए इस मंदिर की, तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के डालीगंज में स्थित गोमती नदी के तट पर मन कामेश्वर महादेव मंदिर सनातन धर्म के लोगों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। दोस्तों, ये और दोस्तों ये देश भर में आने वाले पर्यटक और अन्य लोगों इस मंदिर की प्राचीनता और प्रसिद्धि से प्रभावित होकर अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आते रहते हैं। और यहाँ आने वाले सभी भक्तगण दोस्तों शिव के सामने अपनी अपनी मनोकामना प्रकट करते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है मंदिर बहुत ही ज़्यादा इच्छा पूर्ति करने वाला मंदिर है। दोस्तों, यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं का मानना है कि दोस्तों यहाँ पर जो भी इच्छाएं होती हैं, तो दोस्तों यहाँ पर सभी जो है इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, ये मानना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है लखनऊ के डालीगंज क्षेत्र में स्थित भगवान शिव का यह मंदिर दोस्तों मन कामेश्वर मंदिर के नाम से गोमती नदी के तट पर बना हुआ है। दोस्तों, पौराणिक समय में इस मंदिर के क्षेत्र में दूर दूर तक घने जंगल हुआ करते थे, लेकिन दोस्तों वर्तमान में जो है यह एक घनी आबादी वाला क्षेत्र बन चुका है। तो दोस्तों, इस समय जो है ये बहुत ही आबादी वाला क्षेत्र बन चुका है। दोस्तों, यहाँ पर जो है बहुत ही लोग अब यहाँ पर आते जाते रहते हैं। दोस्तों, ये लखनऊ का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है जो इसकी बनावट की गई है, तो दोस्तों बहुत ही भव्यता के साथ में इस मंदिर का निर्माण किया गया है।
दोस्तों इस समय जो आप मूर्ति देख रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ की पुजारी की मूर्ति है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी, जैसे जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी, तो दोस्तों उसी के हिसाब से जो है यहाँ पर पुजारी भी बदलते जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा और कितना प्यारा मंदिर लग रहा है। तो दोस्तों ये दोस्तों बहुत ही भव्यता के साथ में बनाया गया है, पता नहीं दोस्तों ये कैसे इस मंदिर का निर्माण किया गया होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये पुजारी देख रहे हैं दोस्तों, ये भी यहाँ के पुजारी रह चुके हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा और कितनी खूबसूरती के साथ में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर देख रहे हैं दोस्तों, यह मनकामेश्वर मंदिर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर का ये बना हुआ है दोस्तों, ये लखनऊ में स्थित है डालीगंज के पुल, डालीगंज पुल के पास में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू भी है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों इसके बारे में बताएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ का जो है पीछे दोस्तों अभी ओपन नहीं हुआ है दोस्तों, अभी खुलने वाला है, थोड़ी देर बाद जो खुल जाएगा, वैसे आपको दिखाने वाले हैं कि दोस्तों अंदर कैसे बना हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बना हुआ है। दोस्तों इस समय जो आप शिवलिंग देख रहे हैं दोस्तों, यही मनकामेश्वर मंदिर की शिवलिंग है। दोस्तों ये शिवलिंग बहुत ही प्यारी लग रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से फूलों की माला इस पर चढ़ी हुई है। दोस्तों आप इस समय देख रहे हैं ये दोस्तों नंदी महाराज जी हैं दोस्तों, एकदम गोल्डन कलर के जो है नंदी महाराज आप बने हुए देख सकते हैं दोस्तों, कितनी सुंदर मूर्ति लग रही है। और देख सकते हैं यहाँ पर का जो व्यूज़ है दोस्तों, बहुत ही अट्रैक्टिव है यहाँ पर का व्यू। दोस्तों इस समय जो है पुजारी जी पूजा करने लगे हैं यहाँ पर। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर पुजारी जी पूजा करने लगे हैं, और दोस्तों सभी भक्तगण जो है यहां पर अपने अपने मुराद को दोस्तों अपने मन में ही भगवान शिव के सामने समक्ष जो है प्रकट कर रहे हैं। दोस्तों उनसे जो भी मांग रहे हैं दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों उनकी सभी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर जो है डमरू भी बजाया जा रहा है दोस्तों, तबला भी बजाया जा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर जो है मृदंग की जो है ध्वनि भी करतल कर रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर जो है पुजारी जी पूजा कर रहे हैं अभी जो है। दोस्तों इस मंदिर में जाके वहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था दोस्तों, मन में बहुत ही शांति सी प्रतीत हो रही थी। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ का जो मंदिर है और जो भी यहाँ पर पूजा चल रही है, तो दोस्तों बहुत ही अच्छे ढंग से पूजा की जा रही है। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पुजारी जी भी लगातार पूजा किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर का व्यू भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों। शिवलिंग बहुत ही पुरानी मानी जाती है। तो दोस्तों आप जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, यहाँ पर जो है राम के भाई जो कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी थे दोस्तों, यहाँ पर शिवलिंग की आराधना की थी। तो दोस्तों आप वहीं का व्यू देख रहे हैं इस समय। दोस्तों इस समय जो आप पुस्तक देख रहे हैं दोस्तों, उन्होंने पुजारी जी ने हमको ये भेंट की थी दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों कितने लोग जो है खड़े हुए हैं लाइन में दोस्तों, सभी लोग जो है पूजा कर रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पुजारी जी पूजा कर रहे हैं। तो दोस्तों पूजा के कुछ नियम होते हैं दोस्तों, उन नियमों का पालन करते हुए पुजारी जी इस मंदिर की पूजा कर रहे हैं मनकामेश्वर मंदिर की। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं अब जो है आरती उतारी जा रही है। तो दोस्तों आरती भी बहुत ही प्रकार से उतारी जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है किस किस प्रकार से जो है आरती की कर रहे हैं पंडित जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पूजन कार्य हो रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो है अगर आप भी विज़िट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप भी विज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि दोस्तों ये डालीगंज में लखनऊ में स्थित है दोस्तों, ये बहुत ही मशहूर मंदिर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का भी दोस्तों एक प्रकार से बोल सकते हैं दोस्तों, ये लखनऊ में तो दोस्तों मशहूर ही है। तो दोस्तों एक लखनऊ में मनकामेश्वर मंदिर जो है मशहूर है, और दूसरा दोस्तों मंदिर है बुद्धेश्वर मंदिर। तो दोस्तों आप जो है बुद्धेश्वर मंदिर के भी विज़िट कर सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा मंदिर है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर का व्यू बहुत ही अट्रैक्टिव है। और दोस्तों अब यहाँ पर जो है पूजन कार्य किया जा रहा है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पर। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अभी जो है प्रज्वलित किया गया है दीप को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है घंटियों के साथ में जो है भगवान गणेश जी की पूजा की जा रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर।
दोस्तों इस समय आप देख रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो है सभी लोग जयकारे लगा रहे हैं। दोस्तों जैसे ही जयकारा लगा लेते हैं और उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर जो पुजारी जी हैं दोस्तों यहाँ पर गंगा जल छिड़क रहे हैं। दोस्तों गंगा जल से सभी लोग को पवित्र कर रहे हैं और दोस्तों जैसे ही गंगा जल छिड़क चुके हैं दोस्तों उसके बाद जो है द्वार को भी बंद कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है द्वार को भी बंद किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो द्वार खुलता है तो दोस्तों सिर्फ पूजा के लिए द्वार खुलता है, उसके बाद दोस्तों द्वार को बंद कर दिया जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसे नए ब्लॉग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।